फरहान अदुना का हुआ ब्रेकअप, क्यों टूटा 15 साल पुराना रिश्ता, कौन है ब्रेकअप का असली जिम्मेदार? शादी के 16 साल बाद फरहान और अदुना अलग हो गए। That is absolutely heartbreaking, Tisha. लेकिन इस सेपरेशन की वजह क्या है? Well, आराधना, 16 साल बाद suddenly सेपरेट होने का रीजन तुम्हें पता चलेगा हमारी इस स्टोरी में। बॉलीवुड का एक और प्यारा रिश्ता टूट चुका है। फरहान और अदुना की जोड़ी अलग हो चुकी है। ये न्यूज कल से हर जगह छाई हुई है, लेकिन इस ब्रेकअप की रियल वजह क्या है, इसका पता अब तक किसी को नहीं है। पर जूम पर आज हम आपको बताएंगे क्यों टूटा फरहान अदुना का रिश्ता, क्यों 15 साल पुराने इस रिश्ते में आई दरार, आखिर क्यों अटूट मानी जाने वाली जोड़ी को देखना पड़ा ये दिन। वेल, हर सवाल का जवाब हम आज देंगे आपको। जी हाँ, सोर्सेस से एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि फरहान की अपनी को एक्ट्रेसेस से बढ़ती नजदीकी इस स्प्लिट की वजह बनी है। फरहान अदुना के रिश्ते में आई दरार के लिए बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सबसे पहले फिल्म वजीर की शूटिंग के दौरान फरहान और अदिति राव हायद्री का नाम किया गया लिंक्ड। फिल्म में इनके हॉट सीन की चर्चा रिलीज की अनाउंसमेंट से पहले ही हो रही थी। यही नहीं, फरहान की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से फिल्म रॉक ऑन 2 के दौरान हुई मुलाकात और बढ़ती नजदीकी को भी फरहान अदुना के रिश्ते में आई प्रॉब्लम की वजह माना जा रहा है। वैसे जब जूम ने फरहान के एक करीबी से इस मामले में बात की तो उनका कहना था कि मीडिया में चल रही लिंकअप की खबरें उनके डिवोर्स की वजह नहीं हैं। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस से खबर मिली है कि फरहान और अदुना के बीच लगभग 1 साल से काफी प्रॉब्लम्स चल रही थीं। बात बात में इनके बीच अनबन हुआ करती थी। ऐसे में इन दोनों ने काफी पहले ही मन बना लिया था कि वो अलग हो जाएंगे, और सही मौका देखकर फरहान और अदुना ने अपने अलग होने की अनाउंसमेंट कर दी। सोर्सेस से खबर मिली है फरहान अख्तर और अदुना पिछले कुछ समय से अलग रह रहे थे, जहां अदुना अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली होम में रह रही थी, वहीं फरहान काफी पहले ही अपनी बहन जोया के घर में शिफ्ट हो चुके थे। ऐसे में फरहान और अदुना के बीच ना के बराबर कांटेक्ट हुआ करता था, और कहीं न कहीं यही दूरी बन गई इनके अलग होने की वजह। वेल, फरहान अदुना का अलग होना बॉलीवुड में सभी के लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन अब जबकि फरहान अदुना ने ये फैसला ले लिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, दिस इज टू अनाउंस दैट वी अदुना एंड फरहान have mutually and amicably decided to separate. Our children remain our priority, and it is immensely important to us, as responsible parents, that they be protected from unwarranted speculation and public glare. साफ है, ये फैसला अदुना फरहान ने बहुत सोच समझ कर लिया है. We just want to wish them luck. Bureau Report, Zoom, Mumbai. कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम। एक मिनट आराधना, ये ब्रेकअप होता है तो गम तो मैं समझ सकता हूँ, हाँ। पर ये खुशी? अरे तिशा, तुम ये न्यूज देखो, ये न्यूज देखते ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि कहाँ खुशी है और कहाँ गम। वैसे रणबीर खुश है या कटरीना? तिशा, don't be so inquisitive, keep quiet and watch the story, this is serious. But that's why I'm inquisitive. तुम्हें कब तुम्हारा ब्रेकअप ही हुआ ना, तब भी समझ जाएगा। कोई दर्द में है, तो कोई दर्द को भुलाकर आगे बढ़ चुका है। रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप की खबर आए कई दिन बीत चुके हैं,
लेकिन अपने ब्रेकअप के बाद किस हाल में हैं रणबीर और कटरीना, एक दूसरे से अलग होकर किस तरह जी रहे हैं रणबीर और कैट। ब्रेकअप के बाद रणबीर और कटरीना के दिल का हाल आज जूम आपको बताएगा। सोर्सेस से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कटरीना रणबीर से अलग होने के बाद इमोशनली टूट गई हैं। रिसेंटली कटरीना को देखा गया मुंबई के माउंट मैरी चर्च में, जहां अपने ब्रेकअप के बाद कटरीना कुछ वक्त अकेले शांति से बिताने आई थी। लेकिन जैसे ही कटरीना को शटर बग्स के वहाँ होने का पता चला, वो कैमरास को अवॉइड करते हुए बैक गेट से चली गईं। वहीं रणबीर कपूर अब सब कुछ भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। खबरों की माने तो रणबीर कपूर ने कटरीना से अलग होने के बाद लास्ट वीकेंड अपने करीबी इंडस्ट्री फ्रेंड्स के साथ की पार्टी, लेकिन इस पार्टी में नहीं किया गया कटरीना को इन्वाइट। रणबीर के इस तरह पार्टी करने के बाद माना जा रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप के ट्रेजिक एंड से रिकवर कर रहे हैं। वहीं कटरीना कुछ समय पीस में स्पेंड करना चाहती हैं। वेल, ऐसे में हम तो यही विश करते हैं कि कटरीना और रणबीर जहां भी रहें खुश रहें। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम मुंबई। तुम्हें पता है, हमेशा सुपर एनर्जेटिक रहने वाले रणवीर सिंह की एक सवाल सुनकर हो जाती है बोलती बंद। मतलब कुछ भी आतिश है, रणवीर सिंह की बोलती कभी बंद नहीं हो सकती, वो भी एक क्वेश्चन को सुनकर। ऐसा कौन सा सवाल था? तुम्हें सुनना है? हाँ। इतना डेंजरस सवाल है, तुम्हारी भी शायद इसमें बोलती बंद हो जाए। सवाल है उनकी शादी का। मतलब अपनी शादी के सवाल पर रणवीर हो जाते हैं खामोश। सभी हो जाते हैं खामोश। वॉच, तुम नहीं खामोश हो गए, तुम बहुत उतावले हो गए उसके लिए। तुम्हें बड़ा पता है। मुझे पता है। रणवीर सिंह वैसे मानते हैं खुद को दीपिका का दीवाना। I'm very proud of you. I'm very, very proud. रणवीर सिंह को वैसे मिल चुका है बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग। रणवीर सिंह, एब्सोल्युटली। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह वैसे हैं तैयार दीपिका को अपनाने के लिए। बाजी मार दी, दिलों पे कब्जा, वाह। मगर एक सवाल से घबरा जाते हैं रणवीर। कौन सा है वो सवाल? किस बात पर चिढ़ गए रणवीर? कौन सी बात करना नहीं है रणवीर को अभी पसंद? जी हाँ, सही समझा आपने, शादी का ही वो सवाल जिसको रणवीर कर गए हैं डॉज। आज हम आपको दिखाते हैं रणवीर सिंह का रिएक्शन जब उनसे पूछा गया सवाल शादी का। दरअसल एक इवेंट में पहुंचे रणवीर से जब जूम ने पूछा कि इतनी प्यार मोहब्बत, फैमिली से मिलने की खबरों के बाद क्या रणवीर अब शादी का बना रहे हैं प्लान, तो देखिए किस तरह से चिढ़ गए रणवीर और उन्होंने टाल दिया हमारा सवाल। अब ये तो जरा हैरान कर देने वाली बात है कि जब दीपिका ने भी मान लिया है कि रणवीर है उनके बॉयफ्रेंड, घर वाले भी हैं राजी, दुनिया को दिख गया है इनका प्यार, तो क्यों आ रहा है इतना गुस्सा हमारे इस मासूम से सवाल पर? Can we talk about my school's annual day today? Yeah, please. And nothing else. भाई आखिर प्यार, बॉयफ्रेंड के बाद शादी का ही सवाल होगा ना? अब देखिए, एक बार पहले भी जब हमने रणवीर से पूछा था ये सवाल, तो क्या था रणवीर का रिएक्शन? आने वाले साल में good things are going to happen. शादी वादी हो रही है? Next. इसका मतलब साफ है कि रणवीर इस सवाल से दूर ही रहना चाहते हैं। चलिए रणवीर, हम तो इतना ही कहेंगे कि इसके पहले कि बी टाउन के बनते बिगड़ते रिश्तों की चपेट में आपका भी रिलेशनशिप आ जाए, आप फटाफट से घर बसा ही लीजिए। फहार्दिक तन्ना, जूम मुंबई।
अराना, yes. तुम्हें पता है किसी को देखकर अक्षय कुमार इतना डर जाते हैं कि उसे देखते ही अक्की अपनी गाड़ी रिवर्स में लगा देते हैं। ऐसा कौन है जिसे देखकर अक्षय की गाड़ी आगे की जगह पीछे चली गई? वेल अराधना है कोई, है हाँ। कोई जिसे देखकर अक्षय अपनी गाड़ी से निकले भी नहीं, he was in। तब तुम ऐसे ही बोलते रहोगे कि अक्षय का फियर फैक्टर भी दिखाओगे। तुम्हें लोगों का फियर देखने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा, बहुत देखो, मजा करो। पार्टी शार्टी करने वाले और लॉन्ग ड्राइव पर खूब जाने वाले अक्षय की गाड़ी पर लगा ब्रेक। किसी को सामने देखकर अक्षय ने अपनी गाड़ी में डाला रिवर्स गियर। जी हाँ, देखिए कैसे अपनी फिल्म एयरलिफ्ट की स्क्रीनिंग खत्म करके अक्षय कुमार अपने घर जाने की तैयारी में थे, लेकिन तभी अक्षय कुमार को अपनी कार के सामने कोई दिखा और उन्होंने अपनी गाड़ी डाल ली रिवर्स गियर में। अचानक अक्की को फिर से वापस इस इवेंट में जाते देखकर सभी हैरान तो थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था अचानक अक्षय ने घर जाने का अपना मूड क्यों बदल लिया। क्या अक्षय ने किसी को देख लिया था? क्या अक्षय किसी से नजरें चुरा रहे थे? वेल, चलिए ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना आपको बताते हैं कि क्यों लगा अक्षय की गाड़ी में रिवर्स गियर। दरअसल अक्षय कुमार जैसे ही स्क्रीनिंग से बाहर निकले, सड़क पर लग गई भारी ट्रैफिक और अक्षय अपनी कार को खुद ही ड्राइव कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने घर जाने के बजाय स्क्रीनिंग डेस्टिनेशन पर वेट करना ही बेहतर समझा। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। तिशे, मुझे पानी चाहिए। बेसिकली आई नीड अ ब्रेक। आई होप यू नो कि स्किन के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है। यस आराधना, आई नो। आई आल्सो नो कि अगर स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखना हो और ग्लो करवाना हो तो स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जियो, हेल्दी खाओ और सबसे इंपॉर्टेंट सफिशिएंट पानी पियो। वैसे अगर इस बारे में आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो बताएंगे कि स्किन को कैसे ग्लोइंग और फिनोमिनल बनाएं। एंड फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स कम राइट बैक। ये तुम्हारी स्किन पे ब्यूटी स्पॉट ये ट्राई किया तुमने? हाँ। तिशे, तुम्हें पता है यामी और पुलकित की हो गई है सेटिंग रे। हाय हाय आराधना, तुमने मुझे काका की याद दिला दी रे। लेकिन प्रॉब्लम ये है हाँ। कि अभी भी यामी और पुलकित अपनी सेटिंग पर कुछ नहीं बोले रे। आई थिंक देशे हमारी ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, तो हम जरा उनको ठीक से समझा देते हैं। जी हाँ, समझा देते हैं। तो न्यूज ये है कि पुलकित और यामी अभी तक अपने लिंकअप की खबरों पर है खामोश। जब भी यामी और पुलकित से उनके रिलेशनशिप पर कोई भी सवाल किया जाता है तो वो कुछ ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसा जूम के एक सवाल ने टर्न ऑन कर दी हीट। टर्न ऑन द हीट। वो सवाल जिसका इंतजार यामी कब से कर रही थी। मैं बेटी कर रही थी, कहां गया आपका ये सवाल? आप तो इसी के लिए आए। हां जी, टर्न ऑन द हीट। वो सवाल जिसका इंतजार पुलकित कब से कर रहे थे। Well, तो वो सवाल था यामी और पुलकित की रियल लाइफ सेटिंग से जुड़ा। अब खबरों की माने तो यामी और पुलकित ने कर ली है सेटिंग रे, लेकिन फिर भी ना ही यामी और ना ही पुलकित अपनी सेटिंग के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं, बल्कि वो तो इस सवाल पर कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो इस बारे में कुछ जानते ही ना हो। पहले आपको दिखाते हैं कि पुलकित के साथ अपने लिंकअप के सवाल पर यामी ने कैसे रिएक्ट किया। ऐसी हर जगह खबरें हैं कि यामी एंड पुलकित आर। बहुत अच्छा सवाल, ऐसे मौके में बहुत ही अच्छा सवाल डाल दिया आपने। क्या चार चार लगा दी, मैं बेटी कर रही थी, कहां गया आपका ये सवाल? आप तो इसी के लिए आए। हां जी, टर्न ऑन द हीट। नहीं तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब ऐसे ही है, बस ऐसे ही ऐसे हंसते रहते हो। यही है, यही है।
वेल, पुलकित ने तो यहाँ हमारी रिपोर्टर को ही उनसे बात ना करने की एडवाइस दे दी। आप मुझसे ज्यादा बात मत कीजिए, मुझसे कोई भी लड़की आजकल बात करती है खबर बन जाती है। आपका भी नाम आ जाएगा मेरे साथ। अरे पुलकित, आप शायद भूल गए हैं कि आपका नाम हर लड़की के साथ नहीं सिर्फ यामी के साथ ही जुड़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि पुलकित यही नहीं रुके, उन्होंने बड़ी ही बखूबी से अपने और यामी के रिलेशनशिप से जुड़े इस सवाल को ही घुमा दिया। हाँ, now tell me, how was it working with Pulkit? इतने हॉट एक्टर मिले आपको, आप बताइए आपको कैसा लगा? अच्छा, आप अपने अपने सॉन्ग के बारे में कुछ बताइए। वेल, पुलकित और यामी ना ही खुलकर अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही अपने लिंकअप की खबरों से इनकार करते हैं। अब देखना ये है कि कब तक पुलकित और यामी अपने लिंकअप के सवाल को घुमाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। Okay then guys, मन तो नहीं कर रहा पर जाना होगा। I know Tishay. So on that note guys, it's time to wrap up the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip only on Zoom. Turn on.